भैया कल सीआईसी काउंसिल ने अपना सिलेबस को रिड्यूस कर दिया ऑन मेजर सब्जेक्ट्स फॉर आईसीएसई एंड आईएससी 2022 राइट, एंड आपने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। बट भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इन चार सब्जेक्ट्स के ऊपर सिलेबस क्यों रिड्यूस नहीं हुआ फॉर आईएससी 2022? तो मुद्दे की बात यह है कि हम ये लेके बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। काफी सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम के अंदर डीएम कर रहे थे, काफी सारे लोग मेरे को कमेंट्स किए थे, एंड कल हमने जब लाइव आके तुमको ये ब्रेकिंग न्यूज दिया कि आईसीएसई ने अपना सिलेबस को रिड्यूस किया, उसके ऊपर भी तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, मेन बात यह कि अगर तुम सीआईसी काउंसिल के लेटेस्ट नोटिस देखोगे उसके अंदर भी तुम लोग देख सकते हो कि मेजर सब्जेक्ट्स में आईसीएसई एंड आईएससी के अंदर रिडक्शन आया या फिर रिडक्शन हुआ। ठीक है, जिन सब्जेक्ट्स का नाम है या फिर जिन सब्जेक्ट्स का लिस्ट दिया गया है। बट भैया इधर आईएससी के अंडर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का नेम या फिर व्हाई दे हैवंट गिवन द इवन द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो भैया क्या रिडक्शन नहीं मिलेगा हम लोगों को? क्या हम लोगों को बहुत पढ़ना पड़ेगा? ऊपर साइंस के बंदे हैं हम, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, दिमाग खराब कर रहे हैं, इतना कुछ है क्या हमको पूरा पढ़ना है? मेन बात यार देखो, मैं इसके ऊपर ऑन दैट अकॉर्डिंग मेरे को इसका जवाब था नहीं उसके पास, ठीक है, बट मैं इसके लिए यार कुछ एडुकेटर से बात किया, कुछ सीआईसी काउंसिल्स के टीचर्स के साथ बात कि मैम सिलेबस रिडक्शन क्यों नहीं हमको देखने को मिला केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर या फिर मैथमेटिक्स के अंदर या फिर बायोलॉजी के अंदर, राइट? देखो इसका तीन उत्तर है। फर्स्ट उत्तर ये है कि जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स पढ़ते हो वो लोग मेजरली जेई मेंस या फिर नीट के लिए फोकस करते हो, ठीक है, एंड फॉर 2022 अभी तक जेई मेंस या फिर नीट मतलब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है फॉर जेई मेंस 2022 और नीट 2022, राइट? ये एक मेजर फैक्टर है, नंबर वन। नंबर टू फैक्टर क्या है भैया? क्या सिलेबस रिड्यूस होगा? नहीं तो फिर क्या हमको पूरा पढ़ना है? देखो एक बात सुनो, अगर तुम गौर से यार, जो लोग गौर से कल का सीआईसी के काउंसिल का नोटिस पढ़े थे, कितना लोग गौर से पढ़े थे मेरे को कमेंट करना, एंड कितना लोग मेरा वीडियोस देखे थे कल जब हम लाइव आए थे रात 10 बजे, उसका वीडियो कौन देखा था वो भी कमेंट करना, एंड तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तुम कौन सी यार का स्टूडेंट हो मेरे को बोलना, आईसीएसई 2022 या फिर आईएससी 2022, ये भी मेरे को बताना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो अगर तुम गौर से यार देखोगे इधर यार सीआईसी काउंसिल ने ये लिख के रखा है कि सीआईसी विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ सिलेबस रिडक्शन इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, मीन्स सीआईसी अपने सिलेबस को रिड्यूस करेगा, कर सकता है, करेगा, मीन्स प्रोसेस के साथ कंटिन्यू कर रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। वो ये नहीं बोला कि हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम करने वाले हैं, शायद हम प्रोसेस कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट्स में, एंड इसको रिड्यूस करना उतना आसान बात नहीं है। हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का सिलेबस रिड्यूस करना उतना आसान बात नहीं है, उसके लिए हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ बात करना है कि क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर कर सकते तो कौन सा पोर्शन कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक हटा सकते हैं, ये लेके भी हम बात करेंगे, और उसके बाद ही हम सिलेबस को रिड्यूस करके सीआईसी काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो भैया क्या रिड्यूस होगा? शायद हो सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि भैया तो फिर इस समय के दौरान हम क्या करेंगे? इस टाइम के दौरान तुम लोग जितना हो सके पढ़ाई करना है करो, क्योंकि यार तुमको जेई मेंस या फिर नीट के लेकर फोकस कर रहे हो तो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक्स रैदर, ठीक है। यही मेरा पॉइंट था बींग अ साइंस स्टूडेंट, बींग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ भैया मैंने यार एक क्लासेस स्टार्ट किया हो फॉर आईसीएसई एंड आईएससी, नीचे गूगल फॉर्म है, जाके भर सकते हो। अगर तुम कंप्यूटर या फिर इंग्लिश के ऊपर इंटरेस्टेड हो तो हर कोई स्ट्रीम के बंदा भर सकता है, बट मैं बहुत लिमिटेड लोगों को लेने वाला हूँ, उसके लिए नीचे फॉर्म भर सकते हो। एंड मैं यार बहुत ही जल्दी यार क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ फॉर आईसीएसई एंड आईएससी। आईएससी के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो गया है फॉर कंप्यूटर, एंड आईसीएसई के अंदर भी स्टार्ट बहुत जल्द हो जाएगा अगर तुम लोग चाहते हो तो, ठीक है। 95 फोकस कर इस बार, ओके ओके, मैं स्वयं पढ़ाने वाला हूँ सबको। एनीवेज तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट, एंड कीप प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो अमंग विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय।